अच्छा एक लास्ट प्लीज यार। अच्छा तो एक जज की बात सुनकर एक क्रिमिनल ना और भी ज्यादा डरने लगा, पता है क्यों? क्योंकि जज बोला ऑर्डर ऑर्डर। यार ये पागलों की तरह हंसना बंद करेगा, एक तो इतनी देर से एक प्रॉब्लम के पीछे लगा हूँ, हल ही नहीं निकल रहा। अरे ये तो किसानों वाली प्रॉब्लम है। मतलब? क्योंकि हल नहीं निकल रहा ना। यार इतना ही खाली बैठा है तो कुछ पढ़ लेना। अबे पिछले साल ही पढ़ लिया था। अच्छा इसलिए तो रिपीट कर रहा है ना। मुझे नहीं करना भाई रिपीट, मुझे तो पढ़ने दे। तू वैसे पढ़ क्या रहा है? मैथ्स। अच्छा बता, 100 और 10 आपस में बात क्यों नहीं करते? यार मुझे रूट मत ना। हंसते रहो तुम, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूंगा। आई एम नॉट अ लूजर लाइक यू। अरे कहाँ चला मेरे विनर, सॉल्व नहीं करेगा क्वेश्चन? करूंगा, लेकिन इस कमरे में ये होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। वाह बेसिक्स क्लियर है तेरे, बस थोड़ा आप लेकर हो जाएगा सॉल्व। नीरज को नॉर्थ की तरफ फेस करके सॉल्व करना चाहिए ये क्वेश्चन। अरे तभी तो उसे सही उत्तर मिलेगा। हाँ तभी जिंदगी में उसे सही दिशा मिलेगी। हाय मैं फर्स्ट ईयर से नीरज, आपके बारे में बहुत सुना है। काम वो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना था, आपने लास्ट ईयर टॉप किया था तो सोचा। दाम दाम, तुझे पता है मैं क्लास का फर्स्ट बेंच पे क्यों बैठता हूँ? वहां से ब्लैक बोर्ड बिल्कुल सही से दिखाई देता है। गलत, क्योंकि मैं हमेशा सबसे आगे रहता हूँ। पता है मैं हमेशा छत पे क्यों पढ़ता हूँ? शाम को हवा अच्छी चलती है। गलत, क्योंकि मैं टॉप पर रहना चाहता हूँ, टॉप पर। गेट इट? यस यस आई गेट इट। सही जवाब चाहिए तो 15 मिनट में दे सकता हूँ, बदले में लगेंगे 2 भुजिया के पैकेट, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कैंटीन से 2 समोसे, समझा? डन। बस ये किसी को बताना मत कि ये आपने सॉल्व किया है, प्लीज। हाँ किताब यही छोड़ दे, 15 मिनट बाद दाम चुका और जवाब ले जा। हो गया तेरा काम, समझाने का टाइम नहीं है, स्टेप्स रट लेना। थैंक यू बड़े भाई, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चल यार नींद आ रही है। और मेरे शेर, मिल गया आंसर? बोला था ना सॉल्व करके रहूंगा। शाबाश लौंडे, इसी बात पे भुजिया खिला दे। चल यार भुजिया तो खत्म, नेक्स्ट वीक और मंगवा लूंगा घर से। अरे कोई ना, आज मैं खिलाता हूँ, समोसा भी है, खाएगा? यार समोसे को छोड़ देना खुली हवा में, उसमें कल तक कीड़े लग जाएंगे, तो वही खा लूंगा मैं पेट भर के। ये समोसा और भुजिया का पैकेट तेरे पास कैसे आया, कृष्णन ने दिया क्या? लौट के भुजिया घर को आए। यार प्लीज ये उसे वापस कर दे, नहीं तो वो सबको बता देगा ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं की है। उसने भी नहीं की है, कृष्णन मुझसे सोल्यूशन मांगने आया था, बदले में उसने ये भुजिया समोसा एक कोल्ड ड्रिंक भिजवा दी। खा ले, 9 out of 10 प्रोबेबिलिटी है कि ये तेरा ही सामान है। ये क्वेश्चन तूने सॉल्व किया है? ये क्वेश्चन तूने सॉल्व किया है? ये क्वेश्चन सच में तूने सॉल्व किया है? सुबह तो बोल रहा था रिपीट नहीं करना है और अभी रिपीट किया जा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है यार। यार जब तू इतना इंटेलिजेंट है तो साल रिपीट क्यों कर रहा है? भाई सिंपल है, IIIT भंडीपुर एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में बनते हैं गधे और भाई तेरा हमेशा से घूड़ा रहा है। रिस्पेक्ट ब्रो, तभी तो तू अपनी जिंदगी सवार रहा है और तभी तो बाकी के गधे अपने अंदर के घोड़े बेच के सो रहे हैं। भाई अंकित बहुत पनी हो रहा है। हाँ तो यहाँ सारे गधे बस भोजा ढो रहे हैं, पढ़ाई का भोजा, पास होने का भोजा और प्लेसमेंट का भोजा, और किस लिए? बस एक इंजीनियरिंग के गाजर के लिए। पर फिलहाल इस घोड़े को किसी गाजर में नहीं, घास में ज्यादा इंटरेस्ट है।
सॉरी यार। कोई नहीं, वैसे तुझे लगी तो नहीं, हाथ पैर ठीक है ना तेरे? हाँ, क्यों? वो तू मेरी नजरों से गिर गया ना। आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुझे गलत समझा। अरे चल छोड़, आजा तुझे इस क्वेश्चन का सलूशन समझाता हूँ। जल्दी से जैम्बो को सब्सक्राइब कर लो, मैं आ रहा हूँ और भुजिया लेकर।